हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो अपने चल रहे हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो शुरू होगा वो ये होगा द्विफोकसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक बात ना, द्विफोकसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है ना। यहाँ पर दो बार फोक्सन होगा इसलिए इसका नाम है द्विफोकसी है ना। अब देखो, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। डायग्राम पहले इसलिए बनाया है कि अपना थोड़ा ठीक से समझ लें, अपना बाद में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले तो बात ये, इसका नाम द्विफोकसी क्यों पड़ा, क्योंकि पहले तो ये क्या करता है, ये दो प्रकार का फोक्सन करता है। एक तो एक बार तो वेग को भी नियत रखेगा और ऊर्जा को भी नियत रखेगा, ठीक बात ना। और इस कारण इसकी कोटि भी आपको क्या प्राप्त हो जाती है, उच्च प्राप्त हो जाती है। बात क्लियर होगी सबके। अब देखो, इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। पहले तो इसमें देखोगे आप कि शुरुआत इस प्लस से हो रखी है, यानी ये तो एक आयन सोर्स है, ये तो क्या आपका एक आयन सोर्स है। ये एक आपको बेलनाकार संधारित्र टाइप दिखाई दे रहा होगा। बेलनाकार संधारित्र से ये एक प्रकार का क्या है, अपने किया पहले, ये एक ऊर्जा फिल्टर है। इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कौन कितना, 127 पाई अपॉन रूट 2। इसके बाद में यहाँ कंप्लीट हो गया हम। फिर ये आपको एक त्रिज्यीय चुंबक के क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, जिसका केंद्र ओ पर बनाया गया कौन कितना है, 60 है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, वेग फिल्टर है, ये आपका वेग फिल्टर है। और पी यहाँ पर क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर लिखना ही चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, पी तो आपका फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट है, मेरे हिसाब से समझ आ गई सबके। फिर बाद में आपके ई है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये आपने विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रखा है, ये भी समझ आ गया सबके। फिर आपके जो दिखाई दे रहा होगा S1, S2 और S3, ये देखो थोड़ा सा S3 इस स्लिट को क्या नाम दे दिया, S3 नाम दे दिया। S1 और S2 में थोड़ा ध्यान देना, ये ब्लैक सी दिखाई दे रही ना आपको, ये अंदर ये तो क्या है आपकी S2 है, और इसके आगे थोड़ी सी दिखाई दे रही है वो क्या है, S1 है। बात क्लियर होगी सबके। तो देखो, अपन इसके जो भाग हैं, पार्ट्स हैं, वो थोड़ा डिटेल में करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो देखो, पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स नंबर एक है इसका आयन स्रोत। आयन स्रोत के लिए ये जो लगा रखा आपने प्लस और ये ग्राउंडेड है, इनके बीच में जो विभवांतर है वो लगभग 20,000 वोल्ट होता है। लगभग कितना वोल्ट होता है, 20,000 वोल्ट। बात समझ आ गई सबके। तो आप ऐसे बोल सकते हो, एनोड यानी प्लस जो दिखाई दे रहा है वह S1 के मध्य लगभग 20,000 वोल्ट का विभवांतर अप्लाई किया जाता है, विभवांतर लगाते हैं। बस इतनी बात याद रखनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ से क्या उत्पन्न होंगे, आयन उत्पन्न हो जाएंगे, और वो आयन आपको पता है, ये इधर जब भाई प्लस से आयन धनाए निकलेंगे तो प्लस से दूर जाएंगे, और ये S1 है उसको क्या कर रखा, ग्राउंडेड कर रखा है, यानी यहाँ का क्या है, जीरो है। तो आपको सबको पता है कि धनायन है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी ये आयन इधर गति करेंगे। बात क्लियर होगी। तो मेरे हिसाब से आयन स्रोत है वो सबके याद हो गया आयन स्रोत। इसका पार्ट नंबर 2 है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊर्जा फिल्टर है। ऊर्जा फिल्टर कहाँ से कहाँ तक है ये बता दूं आपको, तो आप लिखोगे S2 से S3 तक। आपको जो बेलनाकार दिखाई दे रहा है, बेलनाकार विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, विद्युत क्षेत्र जो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इसका प्लस ये कर दिया, माइनस ये कर दिया। यहाँ पर दो बातें याद रखनी बहुत आवश्यक है आपको, दो बातें कौन कौन सी, ये जो आपने विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रखा है बेलनाकार संधारित्र के द्वारा, एक तो इसका केंद्र पर बनाया गया कोण, जो कोण बना रखा डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है वो होता है पाई अपॉन रूट 2 या फिर 127 डिग्री सेल्सियस, या क्या होता है 127 डिग्री सेल्सियस होता है। बात क्लियर होगी सबके। फिर अपन इसकी डिटेल कर चुके हैं। हाँ, एक दूसरी बात और, इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या
आर है वो रखी जाती है 25 सेंटीमीटर। क्या रखी जाती है? 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब देखो ये किस प्रकार से, जब जैसे ही आपके एस थ्री पर आएगा, तो अपने बातचीत की थी पहले ऊर्जा फिल्टर के अंदर, जैसे ही स्लिट से एस टू ये है, ये समझ में नहीं, ये अंदर वाली ये नहीं, ये ब्लैक ये एस टू है और इससे आगे वाली कौन है एस। जैसे ही ये स्लिट एस टू में प्रवेश करके एस थ्री से बाहर निकलेगा तो सबकी ऊर्जा समान होगी। ऊर्जा कैसी होगी? समान होगी। तो आप ऐसे बोल सकते हो, जब आपका धनायन एस थ्री से बाहर निकलता है, पहली बात तो यह है इसकी दोनों विशेषताएं आपने याद कर ली, और इसको तो बहुत ही याद करना है कि केंद्र पर बनाया गया कोण आपका क्या होना चाहिए, 127 डिग्री होना चाहिए। ठीक बात ना, इसकी रेडियस यहाँ पर कितनी, रेडियस कौन सी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है 25 सेंटीमीटर है। बात याद होगी सबके, ये दोनों काम हो गए। फिर आप ये लिख सकते हो कि एस थ्री से जब धनायन बाहर निकलता है, एस थ्री का मतलब क्या है, जब ऊर्जा फिल्टर से बाहर निकलता है तो उसकी ऊर्जा तो समान होती है, लेकिन वेग समान नहीं होता। कोई जरूरी नहीं वेग समान हो भी और न भी हो, क्या बात के लिए होगी सबके। अच्छा तो देखो, या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो ये बोलना थोड़ा सा गलत है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वेग में प्रक्षेपण होता है, लेकिन वेग प्रक्षेपित प्राप्त होता है, प्रक्षेपित। और प्रक्षेपित का मतलब यह है कि वेग समान तो है लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग दिशाओं में पार्टिकल जा रहे हैं। जैसे मान लो यहीं बात कर लूँ कि हो सकता कोई पार्टिकल इधर से निकला हो सकता कोई इधर जा रहा हो। तो देखो इसको करने के लिए, इसको फोकसित करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, संवेग फिल्टर काम में लेते हैं। और संवेग फिल्टर के अंदर क्या होता है, सबको मालूम मेरे हिसाब से, संवेग फिल्टर के अंदर यह आपने क्या कर रखा है, यह कर रखा त्रिज्यीय चुंबक के क्षेत्र अप्लाई कर रखा है। आप देखो मेरी बात सुना, हाँ भाई मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके बाद में जब बात करता हूँ, इस त्रिज्यीय चुंबक के क्षेत्र में से जब आपको धनायन बाहर निकलेंगे तो थोड़ी देर पहले बात की थी उनका संवेग समान होता है। ठीक बात ना, अगर संवेग समान नहीं भी होता है तो आप देखो, जैसे मान लो ये एक टाइप के संवेग वाले पार्टिकल यहाँ जाते हैं और जो इस एक ही प्रकार के नहीं दूसरे प्रकार के वो इधर आ जाते हैं, यानी आपको अलग अलग लाइनें आपको प्राप्त हो जाती हैं, जैसा कि अपने द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में कहा भी था। तो यहाँ पर जो आपको पार्टिकल प्राप्त हुए हैं, धनायन प्राप्त हुए हैं, उनका सबका वेग क्या है, समान होता है। संवेग क्या होता है, समान होता है। ठीक बात समझ आ गई। यहाँ पी को मैंने क्या बताया, फोटोग्राफिक प्लेट बताया है। आप देखो इसकी एक विशेषता बताई थी, संवेग फिल्टर की विशेषता क्या बताई थी कि इसके जो तीनों पॉइंट हैं वो एक तो एक ही सरलेखा में होने चाहिए, एस थ्री ओ और पी, तो यहाँ तीनों एक ही सरलेखा में हैं। फिर बाद में इस त्रिज्यीय चुंबक के क्षेत्र का जो बनाया गया कोण है वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ भी 60 डिग्री है, तो इससे अधिकतम फोकसन आपको प्राप्त होता है। तो ये एक अपना एक इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने कर लिया। आप क्या बताओगे कि सबसे पहले द्विफोकसी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको दो बार फोकसित करते हैं, एक बार तो यहाँ करेंगे एक बार यहाँ करेंगे। फिर बाद में आप ये बोलोगे इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, तो पार्ट्स में नंबर एक ये आयन स्रोत है, इस आयन स्रोत में लगभग 20,000 वोल्ट लगाते हैं, तो यहाँ से आपके धनायन निकलेंगे और वो S1 की ओर गति करेंगे यहाँ तक। फिर बाद में जैसे S2 में घुसेंगे तो यहाँ आपका क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र है, बेलनाकार विद्युत क्षेत्र लगा रखा आपने बेलनाकार संधारित्र में। ठीक बात ना, तो यहाँ पर ये एक ऊर्जा फिल्टर है, और इसकी विशेषता क्या बताई थी, इसकी रेडियस है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर और ये एंगल ये कितना 127 या फिर पाई अपॉन रूट टू बोल दो, ये भी याद हो गया। जैसे आपका S3 से बाहर निकलेगा धनायन तो उसकी ऊर्जा समान होगी, लेकिन वेग है वो प्रक्षेपित हो सकता है, वेग बोल दो या संवेग प्रक्षेपित हो सकता है, होगा। ठीक है ना,
अब बात यह आती है प्रक्षेपण का मतलब वेग है तो नियत लेकिन डायरेक्शन अलग अलग टाइप की है, ठीक बात है ना। तो उस वेग को फोकसित करने के लिए अपन ने क्या लिया, यहाँ पर एक संवेग फिल्टर काम में लिया, और संवेग फिल्टर के रूप में क्या है, त्रिज्य चुंबक के क्षेत्र है, त्रिज्य क्या है चुंबक के क्षेत्र, ये काम में लिया। बात ये भी समझा कि सबके। इसके बाद में इस त्रिज्य चुंबक क्षेत्र से जैसे आपके धनायन बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाते हैं एक ही प्रकार के द्रव्यमान के, जैसे यहाँ हो जाएंगे दूसरे प्रकार के या तीसरे प्रकार की अलग लाइन प्राप्त हो जाएगी आपको। यहाँ पर एक छोटी सी बात रहेगी, इसके अंदर रखते हैं निर्वात रखते हैं, ये जो है ना अपना विद्युत क्षेत्र वाला भाग, इसके अंदर ऊंच निर्वात रखा जाता है, ठीक बात है ना। अरे एस टू से लेकर एस थ्री के बीच में क्या रखते हैं, ऊंच निर्वात रखते हैं। तो देखो ये अपन ने कर लिया, इसकी देखो विशेषताएं आती हैं, तो आप विशेषताएं सीधी लाइन लिखोगे, जो मैंने आपको पीडीएफ में भेज रखा वहाँ देख लेना, आराम से आप याद कर सकते हो, कोई खास नहीं है, समझने वाली बात है वो अपन ने कर ली है। तो थैंक यू, धन्यवाद, इस टॉपिक को याद करना, परीक्षा में आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।